हेलो भाई लोग, तो आज हम चेक करेंगे कि क्या होता है जब एक मैग्नेट को एक मतलब आग के हवाले कर दिया जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि मतलब वो अपना मैग्नेटिक पावर लूज कर देता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना चाहते हैं कि मतलब ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि हमने तो आज तक सिर्फ पढ़ा, कभी करके देखा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो तरह दो मैग्नेट है, एक फेरिक है और ये जो है सो नियोडियम है। तो पहले और ये एक आयरन है, तो पहले हम देख लेते हैं कि चिपकता है या नहीं। हाँ, ये चिपक गया, ये चिपक गया, ये आप देख सकते हैं चिपक गया। नियोडियम बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। और दूसरा ये देखिए, ये भी चिपक गया। तो ये दोनों मैग्नेट रियल हैं। तो चलिए अब टेस्ट किया जाए इसको। सबसे पहले इस मैग्नेट को इसको गर्म किया जाए। ये अपने आप गिर जाएगा अगर ये मैग्नेट पावर लूज कर दिया तो। यार अभी तक टिका हुआ है। चलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ कि मतलब क्या होता है। तो भाई लोग, आपने देखा कि मतलब ये अपना पावर लूज कर चुका है या फिर बहुत कम हो गया है। फिर से आ गया पावर, लेकिन ये बहुत कम हो चुका है। अब इसमें चिपक भी नहीं रहा है, इजीली चिपक भी नहीं रहा है, ये आसानी से लूज कर दे रहा है। हल्का सा चिपक रहा है लेकिन फिर से लूज कर देता है। अगर इसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो शायद और लूज कर दे। अब एक बार नियोडियम को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो भाई एक और बात हो गया कि नियोडियम मैग्नेट बहुत जल्दी गिर गया। ये बड़ा आसानी से अपना पावर लूज कर दिया, मतलब ये बड़ा जल्दी मतलब अपना पावर लूज कर दिया, जबकि ये जो आयरन का बना हुआ मैग्नेट है ये बहुत देर तक, अभी भी इसमें हल्का सा मैग्नेटिक पावर है, लेकिन नियोडियम पूरी तरीके से अपना पावर लूज कर दिया, वो भी बहुत जल्दी। तो इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट में मैं बस देखना चाह रहा था कि मतलब मैग्नेट पावर लूज करता है या नहीं, लेकिन इससे एक और पावर मतलब एक और बार पता चल गया कि नियोडियम जो है सो नॉर्मल फेरो मैग्नेट के मुकाबले जल्दी पावर लूज करता है अगर हीट किया जाए तो। एक नया कंक्लूजन, एक नया बात है सीखने के लिए। अगर आपसे अगली बार अगर कोई पूछे कि अगर एक फेरो मैग्नेट को और एक नियोडियम मैग्नेट को हीट किया जाए तो कौन पहले पावर लूज करेगा, तो आप ये आसानी से बोल सकते हैं कि नियोडियम बहुत जल्दी अपना पावर लूज कर देता है। मैंने लगाया और ये गिर गया, इतना जल्दी गिर गया कि मैंने कैमरा भी ऑन नहीं कर पाया था, बहुत जल्दी गिर गया। ये अपना पावर बहुत जल्दी लूज करता है। ये देखिए, इसमें फिर से आ गया। इसको और एक बार और हीट करके देखते हैं, इसका पावर वापस आ गया शायद धीरे धीरे। अरे गर्म है यार बहुत ज़्यादा। तो एक बार और हीट करके देखते हैं। अरे यार गिर गया, चिपक 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 नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है ये। तो नियोडियम बहुत जल्दी अपना पावर लूज करता है। तो ये आप जीके के लिए याद कर लीजिए कि नियोडियम बहुत जल्दी अपना पावर लूज करता है फेरो मैग्नेट के मुकाबले। तो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा वीडियो आगे भी देख सकें। धन्यवाद।